अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे। जी व्यूअर्स, आज मैं अपनी ज़मीन पे खड़ा हूँ और पीछे आप देख रहे हैं जो हमने मकई लगी थी वो भी अल्लाह का शुक्र है तैयार हो गई है। और बस वही देखने आए थे और मज़दूर काम कर रहे थे, वो अब तो निकल चुके हैं, लेकिन पीछे आप देखें बहुत अल्लाह का शुक्र है खूबसूरत हुई है, अच्छी हुई है और माशाल्लाह रेट भी इसका ज़्यादा है। जी नाज़रीन, पीछे आप देख रहे हो मकई जो है वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हुई है और जो है अभी इसका रेट भी ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हमने खर्चा किया था वो भी निकल गया और कुछ पैसे हमें बच भी जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़मीन खाली होती है तो हम उसमें कुछ ना कुछ कर दें, क्योंकि अभी जब ये मकई हम निकालेंगे तो इसमें फिर से ज़मीन बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें सारी लगाएंगे। वो तकरीबन 3 माह 3.5 माह में जो है सारी निकल जाती है। उसके बाद और कुछ हमने गन्ना भी किया है, गन्ना भी माशाल्लाह मैंने आपको पहले दिखाया था वो भी अच्छा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है हमारे ऊपर। जो हमारी ज़मीन है वो भी बहुत अच्छी है और बाकी जो है फसलें आप देख रहे हो। जी नाज़रीन, ये हमारा गांव है जो तकरीबन 20-25 घरों पर मुश्तमल है, छोटा मोटा गांव है। वैसे हमारे बहुत से यहाँ गांव है हमारे रिश्तेदारों के और हम जो रह रहे हैं वो समझो पुराने दौर के हिसाब से रह रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ खुश हैं। हमारा जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा गैर मर्द नहीं रहता, गैर मर्द जो लोग होते हैं या किसी और होते हैं वो नहीं रहते, हम सब रिश्ता। जी नाज़रीन, अब हम वापस घर आ गए, वहाँ गए थे ज़मीन पे जो आपको मकई दिखाई थी, जानवर का घास है वो भी माशाल्लाह तैयार हो गई है, उसको भी काट रहे हैं। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम था जो कि मेरे पुराना जो घर है उसका जो दरवाज़ा गेट था वो टूट गया था और मिस्त्री कारीगर यहाँ से मैं लेके गया था, वहाँ उसको बनवाया, तकरीबन 2-3 घंटे तो वहाँ मुझे लग गए। और उसके बाद मैं जो है फिर आया, उसको जो कारीगर था हमारा घर के लिए काम के लिए आया था, उसको मैंने खाना खिलाया। खाना खाना के बाद फिर हम ज़मीन पे गए, ज़मीन पे हमारी बीज भी तैयार है और मकई जो आपको दिखाई है वो भी माशाल्लाह जो है बाज़ार जा रही है, उसकी कटिंग हो रही है, उसका भी रेट अब 300 रुपये मन चल रहा है, क्योंकि अभी घास का टाइम है, घास का जो मकसद बाज़ार में आई है लेकिन थोड़ी महंगी आई है, तो उसी हिसाब से अल्लाह का शुक्र है रेट उसका ठीक चल रहा है, खर्चा समझो कि उसमें से निकल जाता है। तो वो भी हमने आज जो है मज़दूर को कटवाई कराई। और उसके बाद तकरीबन जब हम वहाँ से निकले रात को, तकरीबन अभी भी बहुत टाइम हो गया था, 8:30 बज गए थे हम यहाँ पहुँचे थे, फिर रात को खाना खाया और मिस्त्री को मैं वापस घर छोड़ के आया, उसके बाद अभी मैं अपने घर पे आया हूँ।
साथ बैठा था, बच्चों ने थोड़ी मस्ती वगैरह की, बच्चे सो गए। अब मैं आके जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा जो है दोस्तों से बातचीत हो जाए, व्लॉग बनाए जाए, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो नाज़रीन, जो व्लॉग आज मैंने आपको दिखाया, अगर वो व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह।